कुछ समय पहले तक काराकाटा में ऐसा कुछ भी नहीं था जो किसी का ध्यान खींचता। यहां से एनडीए के कद्दावर नेता उपेंद्र कुशवाहा मैदान में हैं। गठबंधन के तहत कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा को एक सीट मिली थी। उनके सामने थे भाकपा माले के राजा राम सिंह, लेकिन खलबली मची जब भाजपा के आसनसोल से तय प्रत्याशी और पावर स्टार के नाम से मशहूर पवन सिंह ने पार्टी से बगावत कर दी। पहले तो ये बात आई कि उन्होंने एक गीत में बंगला महिलाओं के बारे में अशोभनीय टिप्पणी की है, इसलिए उनका विरोध हो रहा है। बहरहाल उन्होंने खुद ही आसनसोल से मैदान छोड़ दिया और कहा कि वो आरा या पास की सीट काराकाटा से लड़ना चाहते हैं। तब तक आरा पर भाजपा से आरके सिंह और काराकाट से उपेंद्र कुशवाहा का नाम तय हो चुका था। पवन सिंह ने हार नहीं मानी और निर्दलीय पर्चा भर दिया। बस यहीं से काराकाट का मुकाबला दिलचस्प हो गया। पहले लगा कि पवन कुछ समय बाद मैदान से हट जाएंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। उल्टा उन्होंने अपनी मां प्रतिभा देवी का भी निर्दलीय पर्चा भरवा दिया। हालांकि बाद में उन्होंने नाम वापस लिया। इस पर भाजपा नेता आरके सिंह ने तो मंच से कह दिया, पवन या तो बैठे अन्यथा पार्टी से निकाला जाना चाहिए। इसके कुछ दिन बाद ही पवन को भाजपा से निकाल दिया गया। मुकाबला इस कदर पेचीदा हो गया कि पीएम मोदी को कुशवाहा के समर्थन में रैली करनी पड़ी। कुशवाहा ने यहां तक कहा कि पवन को लालू प्रसाद यादव ने उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए खड़ा किया है। 16 लाख से अधिक मतदाताओं वाला क्षेत्र धान की खेती के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ 400 राइस मिल हैं। लालू प्रसाद यादव ने रेल मंत्री रहते यहाँ रेल बैगन मरम्मत कारखाने की घोषणा की, पर कुछ काम नहीं हो पाया। पिछले 4 साल में कुछ राइस मिल और सीमेंट फैक्ट्री लगी हैं, जिससे लोगों को रोजगार मिला, पर हाल बुरा है। युवाओं को रोजगार की तलाश है। नवीनगर इलाके में नक्सली गतिविधियों पर रोक लगाना, सोन नदी पर पुलों की संख्या बढ़ाना, डालमिया नगर के बंद कारखाने चालू करवाना और सोन नदी पर खनन के वाहनों से जाम को खत्म करवाना प्रमुख मुद्दे हैं। काराकाट का बड़ा शहर विक्रमगंज है। यहाँ के संजीवनी अस्पताल के पास टेंट मालिक संजीव कहते हैं, पवन सिंह के आने से माहौल गर्मा गया है। यहाँ से राष्ट्रीय लोक मंच के उपेंद्र कुशवाहा को एनडीए की ओर से टिकट दिया गया है। उनका यहाँ से भला क्या मतलब। महागठबंधन ने भाकपा माले को ये सीट दी है। इसके प्रत्याशी हैं राजा राम सिंह। काराकाट में मेडिकल स्टोर मालिक अरुण सिंह कहते हैं, हम भाजपा के वोटर हैं, पवन को पता नहीं क्यों टिकट नहीं दिया। उनका आसनसोल से क्या लेना देना, अब उनके मैदान में निर्दलीय उतरने से मुकाबला रोचक होगा। काराकाट सीट 2009 में अस्तित्व में आई। पहले सांसद जदयू के महाबली सिंह थे। 2014 में एनडीए के घटक दल रालोसपा अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जीते। 2019 में जदयू के महाबली सिंह ने महागठबंधन से लड़ रहे उपेंद्र कुशवाहा को हरा दिया। पवन सिंह की सबसे बड़ी ताकत उनका राजपूत होना है। हालांकि ये कुशवाहा बहुल सीट है। कुशवाहा राजपूत यादव समुदाय के 2-2 लाख मतदाता हैं, 1.5 लाख मुस्लिम मतदाता हैं। दरअसल अगड़ी जाति के वोट कुशवाहा और पवन सिंह में बटेंगे तो इसका सीधा फायदा महागठबंधन प्रत्याशी को होगा।